हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सुपर लीग सीजन 9 से जुड़े लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो शुरू होने में ऑलमोस्ट एक महीने का समय बाकी है, और जैसे कि खबर है जनवरी ट्रांसफर विंडो को लेकर कि इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में काफी सारे ISL के क्लब्स के तरफ से हम सभी को काफी बड़े फेरबदल देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच काफी बड़ा खबर आ रहा है हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए। तो दोस्तों, खबर है काफी बड़े इंडियन सोर्सेस के अनुसार कि किसी ISL के क्लब ने एक स्पेनिश अटैकिंग मिडफील्डर को अपनी टीम में साइन किया है। तो दोस्तों, इस प्लेयर के बारे में बात किया जाए तो इस प्लेयर का नाम है पैबलो पेरेस, जो 29 वर्ष के है और मेनली अटैकिंग मिडफील्ड में खेलना पसंद करते हैं और स्पेन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले कहा। और दोस्तों, पैबलो पेरेस का लास्ट क्लब था स्पेन के सेकेंड डिवीजन क्लब स्पोर्टिंग डी जियोन, और पैबलो पेरेस का कॉन्ट्रैक्ट स्पोर्टिंग डी जियोन के साथ जुलाई के महीने में ही खत्म हो गया था, और जुलाई के महीने से लेकर अब तक पैबलो पेरेस विदाउट क्लब थे। और इसी के कारण काफी बड़े इंडियन फुटबॉल सोर्सेस के अनुसार ये खबर आ रहा है कि पैबलो पेरेस को बेंगलुरु FC ने अपनी टीम में साइन कर लिया है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रिंस इबारा इंजरी के कारण इंडियन सुपर लीग सीजन 9 से बाहर हो चुके हैं, और इसी के कारण बेंगलुरु FC ने पैबलो पेरेस, जो एक अटैकिंग मिडफील्डर है, इनको अपनी टीम में साइन कर लिया है। और दोस्तों, खबर है कि पैबलो पेरेस जल्द ही बेंगलुरु FC के कलर्स में हम सभी को नजर आएंगे, क्योंकि विदाउट क्लब है तो इसीलिए जनवरी ट्रांसफर विंडो से पहले ही बेंगलुरु FC ने पैबलो पेरेस को अपनी टीम में साइन कर लिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।